नमस्कार, मैं नंदा पांडे, डायरेक्टर माइटी स्पोर्ट्स। आज एलबी स्टेडियम में यहाँ पे पूरे जो स्पोर्ट्स के हैं, बच्चे बूढ़े जो भी हैं, सभी को आज मौसम्बी की हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने, क्योंकि स्पोर्ट्स वालों को क्या है, इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत रहती है। वो लोग रात दिन अपना खेल कूद में मग्न रहते हैं, उनको अभी तो लॉकडाउन के पीछे से समय भी नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, भले ही वो वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, रेसलिंग हो या हॉकी हो, हर प्रकार का जो स्पोर्ट होता है, उनको समय नहीं मिलने के कारण लोग घर पे ही हैं। तो वो लोग अपने तरफ से सुबह एक घंटा घर में ही वर्जिश कर लें, शाम को वर्जिश कर लें, उसके लिए हमने सोचा कि उनके लिए ये मौसम्बी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मौसम्बी में विटामिन सी होता है। और हमारे जो KCR साहब हैं, KTR साहब हैं और संतोष साहब हैं, उन्होंने अपने वेंकटेश्वर सर जो हैं अपने सैट्स के चेयरमैन, उनसे बातचीत हुई होगी। और KCR साहब तो काफ़ी बोल रहे हैं कि चिकन खाने के लिए, अंडे खाने के लिए सब, बट इसके साथ साथ संतोष साहब ने बोला कि फल भी देने से उनका विटामिन सी लेवल बढ़ेगा, जो कोरोना वायरस को फाइट करने में काफ़ी सहायता करेगा। तो उनको हमने आज मौसम्बी की सभी को दिया है। सभी लोग आए थे, काफ़ी 500 लोग आए थे यहाँ पर LB स्टेडियम में, और हमारे क्रीड़ा के जो मंत्री हैं श्रीनिवास गौड़ साहब, वो भी आए थे। उनका लाख लाख धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाल कर आकर यहाँ पे हमारे साथ सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया। और KCR सर जो है इतना तेलंगाना स्टेट के लोगों के लिए जो मेजर ले रहे हैं सेफ्टी के, वो काफ़ी प्रशंसनीय हैं। मेरे को नहीं लगता कि पूरे देश में ऐसा कोई मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है, जो अपने KCR साहब हैं, जो इस ढंग से सभी का ख्याल रख रहे हैं, सभी गरीबों को जो पैसा दे रहे हैं हर महीना, उनको अनाज पानी दे रहे हैं, जिसको घर नहीं है उनको रहने का शेल्टर भी दे रहे हैं, यानी हर तरह से। और ये जो अपने फार्मर्स है, किसान लोग हैं, ये लॉकडाउन के पीछे किसान लोग की उनको जो उपजव है, उनका जो फ्रूट्स वगैरह सब है, उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमने सोचा रविवार के दिन चलो थोड़ा मौसम्बी का वितरण किया जाए। तो इसीलिए आज हमने मौसम्बी सभी को दिया है। तो KCR साहब, आपका लाख लाख धन्यवाद। आप इसी तरह हमें दृष्टि दीजिए, हमारे ऊपर दृष्टि रखिए और हमें दिशा दिखाइए, हम आपके साथ हैं। जय तेलंगाना, जय KCR।